फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको बता दूं कि इरोड जो सिटी है दो चीजों के लिए बहुत ही फेमस है, टर्मरिक और दूसरा है हैंडलूम इंडस्ट्रीज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज स्वाति और इस वक्त हम जा रहे हैं इरोड सिटी में। तिरुचनकोट से अभी निकले हैं हम 5 मिनट पहले और वहां पे पहुंचने के लिए लगेंगे हमें 40 to 45 मिनट्स अराउंड। तो रास्ते में काफी सारे अच्छे अच्छे व्यूज आएंगे, वो आपको दिखाते हैं। रास्ते में कावेरी नदी है, यहाँ की बहुत बड़ी रिवर है कावेरी रिवर, तो वो भी आपको दिखाएंगे आगे। और अगर कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग दिखता है तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं इरोड सिटी में। तो फ्रेंड्स, ये है कावेरी नदी, इसका उगम हुआ है तलकावेरी, ये ब्रह्मगिरी पर्वत रेंजेस में आता है और ये सदर्न इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी और कृष्णा के बाद। एंड ऑल्सो दिस इज द लार्जेस्ट रिवर इन तमिलनाडु। कर्नाटका के कोडगु डिस्ट्रिक्ट से निकल के ये तमिलनाडु होकर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। रास्ते के नजारे देखते देखते हम कब सिटी पहुंच गए पता ही नहीं चला। और ये है इरोड सिटी, सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर कावेरी। हाँ जी, तो मैं पहुंच गई हूँ इरोड सिटी में और मेरे थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सी ग्रेट पर्सनालिटी के घर जा रही हूँ। हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी पेरियार जी, इनके घर पे, और इनका बर्थ प्लेस है ये। और इस घर को अभी म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है और गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ पेरियार सर के घर पे, ये है इनका घर। आप देख सकते हैं बाहर से इनका घर ऐसे दिखता है, यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह लिखा है। तो फ्रेंड्स, इस म्यूजियम का टाइम है मॉर्निंग 9 से 1 बजे तक और फिर 2 से 6 बजे तक, और 1 से 2 बजे तक का लंच ब्रेक होता है तो बंद रहता है 1 घंटे के लिए। ये तो तमिल में लिखा है तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन टाइमिंग वहाँ पे समझ में आ गया, वैसे हमने गूगल किया था तो यही टाइम था। और अब बाहर से देखिए ऐसा दिखता है ये। साउथ में मैक्सिमम घर ऐसे ब्राइट कलर के होते हैं। तो ये है ईवी रामास्वामी पेरियार सर का बर्थ प्लेस, यहाँ पे उनका बर्थ हुआ है और आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये सीएन अन्नादुराई और पेरियार सर की फोटो है। इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, जिनको लोग पेरियार या फिर थंतई पेरियार कह के बुलाते हैं, वो एक महान भारतीय समाज सुधारक थे और राजनीतिक तज्ञ थे। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और पॉलिटिकल पार्टी द्रविडम कजगम की शुरुआत की थी। उनको द्रविड़ आंदोलन के जनक भी कहा जाता है। ईवीआर पेरियार ने अपने जीवन के 50 साल से अधिक समय भाषण देने में बिताया और इस एहसास का प्रचार किया कि सभी लोग एक समान नागरिक हैं और जाति और पंथ के आधार पर मतभेद मानव निर्मित है, ताकि समाज में निर्दोष और अज्ञानी लोगों को दलितों के रूप में रखा जा सके। म्यूजियम में अंदर आने के बाद हमें बुक में एंट्री करनी होती है। यहाँ पे आना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी फीस चार्जेस नहीं किया जाता है। और पेरियार जी के स्टैचू के साथ हमने फोटोज निकाले और फिर म्यूजियम देखने के लिए आगे बढ़े। सन 1954 में बुरवा में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे पेरियार शामिल थे और उन्होंने उनके साथ कई सारी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है, एड्रेस किया है और बुद्धिज्म को प्रमोट किया है। बड़ा म्यूजियम है इनका, काफ़ी बड़ा घर है 2 स्टोरी, जहाँ पे पेरियार जी की बेड चेयर सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। ये पुराना सा खंडर हुआ घर जो देख रहे हैं, ये भी पेरियार सर का ही घर है, लेकिन
इसका कुछ इशू चल रहा है, एक पब्लिक के लिए प्रोहिबिटेड है और इनका मेंटेनेंस भी नहीं करते हैं। देखिए आप इतनी हालत बुरी होके रखी है इस घर की, ये पूरा वाड़ा टाइप है इनका, उस समय का इतना रॉयल हाउस, लेकिन बहुत ही बेकार हाल होके रखे हैं इसके, आप देख सकते हैं। ये जो रेड कलर का है बस वही है टूरिस्ट के लिए, और He died in Vellore, not in Chennai. His cemetery was in Chennai. Chennai. His last breath was in Vellore when he was giving the speech to public. He died in Vellore. तो फ्रेंड्स हमने म्यूजियम देख लिया और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था अंदर, हम वीडियो नहीं ले पाए। उनका मानना ये है कि अगर ये कंटेंट यूट्यूब पे या फिर कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाएगा तो लोग यहाँ पे देखने नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने वीडियो मना किया है। पीरियर जी के घर से निकल के हम वहाँ पे एक बेकरी शॉप में, वहाँ पे हमने लिया क्या मिल्क शेक मंगाया है और जूस मंगाया है, जूस पीते निकलते हैं वहाँ से। तो फ्रेंड्स हम अभी पहुंच चुके हैं रॉयल ओक फर्नीचर स्टोर में, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फर्नीचर ब्रांड्स हैं अवेलेबल। तो हमें यहाँ पे देखना था डाइनिंग टेबल हमारे घर के लिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अवेलेबल है, तो देखते हैं हमारे बजट में जो भी फिट होगा हम उसको ले लेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे लेना था 4 सीटर डाइनिंग टेबल इटालियन मार्बल में, लेकिन इटालियन मार्बल में छोटे डाइनिंग टेबल अवेलेबल नहीं थे, 6 सीटर 8 सीटर अवेलेबल थे। देखते हैं इनके स्टोर में वेयर हाउस में कोई अवेलेबल होगा 4 सीटर, तो हम देखते हैं। फ्रेंड्स हमें ये पसंद आया है, ये इटालियन ग्लास है, मार्बल नहीं है, बट इट लुक्स लाइक अ मार्बल, बट ये भी 6 सीटर में अवेलेबल है। इनके कई और दूसरे जगह पे स्टोर में 4 सीटर अवेलेबल है, तो ये देखेंगे, उनको कॉल करके पूछेंगे, अगर अवेलेबल है तो मंगाएंगे। ये यहाँ पे सेंटर टेबल के डिज़ाइन भी बहुत पसंद आए मुझे, बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे बुद्ध मूर्ति के कलेक्शन भी मुझे बहुत ही प्यारे लगे। मैंने देखी यहाँ पे एक मूर्ति, लेकिन वो पंचधातु की थी और मुझे चाहिए अष्टधातु की, तो यहाँ पे अष्टधातु की मूर्ति अवेलेबल नहीं थी, शायद मुझे नागपुर से मंगानी पड़ेगी वो। अगर आपके पास कोई स्टोर का नंबर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मूर्तियाँ भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे। ऑफकोर्स ये ब्रांड है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है, तो इसकी कॉस्ट एक्सपेंसिव ही होगी। तो डाइनिंग टेबल का बिल पे करके हम आए हैं एक शॉप में, ये बेकरी शॉप है, तो 0% मैदा इस लाइन ने हमें अट्रैक्ट कर लिया, तो हम आए हैं यहाँ पे सैंडविच खाने। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, आपने वीडियो आज तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।